नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। तो लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने को है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लिस्ट में नाम तो कई हैं, लेकिन शाम 5 बजे शपथ लेने के बाद ही विधायकों के माथे की लकीरें चेहरे की मुस्कुराहट में तब्दील होंगी, जिसको लेकर लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में आज हलचल और कोलाहल दोनों ही बरकरार है। तो देखना यह है कि मंत्रियों के नामों से लेकर लोकसभा के गणित तक आखिर जो समीकरण साधे जा रहे हैं उनमें से कौन सा गणित आज सटीक बैठता है और कौन सा फेल हो जाता है। कुल मिलाकर इन सभी नामों में ओम प्रकाश राजभर के लंबे इंतजार को आज मीठा फल जरूर मिलने वाला है, मगर इस सोशल इंजीनियरिंग से बीजेपी को कैसा फल मिलने वाला है ये तो 24 के नतीजे ही बताएंगे। तो आज बात होगी योगी सरकार के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल के विस्तार की, लेकिन उसके पहले एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ ले आवाज महिला की है, इस पर गौर न करें बस भावनाओं को समझिए। यूपी की सियासत में आज ये गाना एक नेताजी पर बिल्कुल फिट बैठता है। वो नेताजी जो कहते हैं कि राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाएंगे, लेकिन लगता है कि वो घड़ी आ गई जब उन्हें राजपाट भी मिलेगा और वो होली भी मनाएंगे और जमकर गुलाल उड़ाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। सियासत में कई बार नेता खुलकर नहीं बोलते, दिल की बात भी कभी जुबा से ही बताते, लेकिन ओपी राजभर सियासत के उन धुरंधरों में हैं जो खुलकर तो बताते हैं लेकिन बिल्कुल वही बताते हैं जो दिल में होता है, बिना लाग लपेट के। जी हाँ, सत्ता चाहिए तो चाहिए, क्यों ना ले, बुराई क्या है, दिल तो यही। खैर, मसला ये है कि कई समय से दिल में हसरत पाले ओम प्रकाश राजभर की मुराद आज पूरी हो रही है और योगी कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार में उनका मंत्री बनना तय है, मतलब मंगल का दिन और काम भी मंगल करने वाला। योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार है और सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी विधायक दारा सिंह चौहान और आरएलडी के 1 से 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिनमें ओपी राजभर का परिचय हम पहले ही दे चुके हैं। दूसरा नाम है दारा सिंह चौहान का। इन्हें जिस वक्त मंत्री बनाया गया था, राजनीतिक पंडितों ने तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये मंत्री बनेंगे। इन्हें जिस वक्त MLC बनाया गया था, राजनीतिक पंडितों ने तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये मंत्री बनेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार को लखनऊ बुलाया गया है, उनके मंत्री बनने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाने की बात की जा रही है। एक नाम और RLD से सामने आ रहा है, वो है राजपाल बालियान का। वही आजम खान के गढ़ रामपुर में कमल खिलाने का इनाम भी आकाश सक्सेना को मिल सकता है और उन्हें भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो हर कदम हर फैसला आने वाले लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। RLD कोटे से मंत्री बनाकर एक तरफ सहयोगियों तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी को साधना सरकार का साफ संदेश है। मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सहयोगी दलों के उन विधायकों को है जिन्हें शपथ लेनी है। ये विधायक लखनऊ में जमे हुए हैं। दूसरी तरफ सोमवार को सचिवालय प्रशासन विभाग ने नए मंत्रियों के लिए विधान भवन में कक्ष तैयार कराने शुरू कर दिए हैं। विभागीय कर्मचारी दिन भर इस काम में जुटे हुए थे। हालांकि अपने बयानों से मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए ललायत रहने वाले ओपी राजभर का कहना है कि उन्हें अब तक राजभवन से किसी भी तरह की खबर नहीं आई है। इतने नामों में किसकी लॉटरी निकलती है ये जल्द तय हो जाएगा, लेकिन जब तक
शपथ नहीं हो जाती तब तक इनकी सांसें जरूर अटकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ओपी राजभर के अलावा दारा सिंह के साथ ही साथ कई नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन शाम 5 बजे सस्पेंस से पर्दा हटेगा और तब जाकर विधायकों के साथ ही साथ उनके नाम साफ हो पाएंगे जिन्हें आज मंत्री पद का तोहफा मिलने वाला है। तो आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा चंद्रभूषण सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैनेन्द्र प्रताप सिंह प्रवक्ता सुभाषपा से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। और दारा सिंह जी नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल चंद्रभूषण सिंह जी आपसे ही, सबसे पहला सवाल, लंबे समय से इस मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार हो रहा था, आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है क्या वो फाइनल है? जो आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत बधाई, वो तो आपको अभी 5 बजे तक पता चल जाएंगे जी। और अभी जो नाम चलाया जा रहा है तो वो है, लोगों को लगता है लोगों को मंत्री बनना चाहिए, बनाना चाहिए, चरण के है मीडिया और अपना अपना दलित लगा रहे। अब ये तो जब राजभवन लोगों को फोन आया होगा जिनको बुलाया गया लोग मंत्री बने नहीं, तो ओम प्रकाश राजभर की यदि बात करें तो आपको नहीं लगता कि वेलकम गिफ्ट देने में काफी देरी हो गई? हालांकि ऐसा भी लग रहा है कि लंबे समय से इंतजार ये हो रहा था कि तमाम साथी इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद एक साथ वेलकम गिफ्ट दिया जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ओम प्रकाश राजभर कभी भी इस चीज के लिए वो बड़े नेता हैं और इस चीज के लिए वो कभी लालायित नहीं रहे या कोई ये नहीं उनका तो बयान आया था कि राजपाट नहीं मिलेगा तो होली नहीं मनाएंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप होली ना मनाने का कारण दूसरा है, उसका इतिहास है। और ये जो राजभर समाज है या जो पार्टी है वो होली क्यों नहीं मनाता इसका दूसरा कारण, आप राजनीति से उस बात को जोड़कर वो उसकी बात नहीं है। और ये हमारे मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो खुद बताएंगे इस बात को कि वो लोग होली क्यों नहीं मनाते हैं, इसका कारण है, वो इतिहास है कुछ कि किस तरह से होली के दिन ही उन लोगों की कुछ सत्ता चली गई थी, बहुत से राजा रजवाड़े थे जिनको उस दिन ही सत्ता से बेदखल। ठीक है, मैं जैनेन्द्र सिंह के पास ही सीधा सवाल पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे कोई आज के संदर्भ से लेना देना नहीं। अच्छा ठीक है जैनेन्द्र जी, चंद्रभूषण जी कह रहे हैं कि इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से बयान निकलकर सामने आया था उससे तो साफ यही लग रहा था कि मंत्री पद नहीं मिला तो होली नहीं मनाएंगे। अब आप बताएं होली मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? देखिए हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और राजभर समाज कभी भी होली नहीं मनाता है, आपने पिछले कई सालों से उनको कवर किया है होली के दिन, वो होली के दिन अपने घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। उसका कारण है कि उस दिन राजभर समुदाय का जो राजपाट था वो लुक गया था, उनको जंगलों में जाने पर मजबूर किया गया था, वो लोग जंगलों में चले गए थे उसी दिन, तो इस वजह से होली नहीं मनाई जाती है। अगर आपने पूरा इंटरव्यू देखा होगा तो उस इंटरव्यू में उसी लाइन के बाद ही उन्होंने कहा था कि मैं तो होली वैसे भी नहीं मनाता हूँ, कभी भी नहीं मनाता हूँ, मैं घर के अंदर ही रहता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी कोई नाराजगी हो। अच्छा होली मनाए या ना मनाए इस बार खुशी जरूर होगी, लड्डू तो खाएंगे ना? नहीं बिल्कुल, आपको भी खिलाएंगे। चलिए देखिए होता क्या है कि अगर एक विधायक बनता है तो वो अपने क्षेत्र तो बहुत ज्यादा है तो आसपास के एक दो क्षेत्रों एक दो जिलों में विकास के काम कर सकता है, लेकिन जब आप मंत्री बनते हैं तो जो मंत्रालय आपको मिलता है उसके द्वारा आप पूरे प्रदेश की जनता का भला कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। जब हमारे नेता मंत्री भी थे तो 19 महीने के कार्यकाल में जो पिछड़ा दिव्यांगजन मंत्रालय है उसका उन्होंने जो बजट था वो 500 करोड़ से 1600 करोड़ पहुंचाया, साथ में जो दिव्यांगजनों की पेंशन थी वो 500 रुपए से 1000 रुपए उन्होंने करवाई। तो 19 महीने के छोटे कार्यकाल में उन्होंने बहुत से कार्य किए। 2018 के अंदर ही सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि
केवल अकेले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर लगभग सारा पैसा अपना खर्च किया है, क्षेत्र के विकास और प्रदेश के विकास के लिए भी उन्होंने। अच्छा जैनेन्द्र जी, पिछली बार घोसी उपचुनाव में तो वो सफलता नहीं मिली थी जिसकी उम्मीद एनडीए और बीजेपी ने आपसे की थी, अब आज मंत्री पद का तोहफा मिल रहा है, तो पूर्वांचल की 28 सीटें जो हैं उनमें से कितने का तोहफा आप वापस करेंगे बीजेपी को? देखिए, जहां तक यही बात घोसी उपचुनाव की, तो घोसी उपचुनाव में मैं बहुत से कारण आपको बता सकता हूं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण था जनता के ऊपर 5 साल में वो चौथा इलेक्शन था। दूसरा था वहां वोटिंग लगभग 50% हुई थी जो पहले से बहुत कम थी। साथ में एक अचानक से कैंडिडेट दूसरी पार्टी से इस पार्टी में आ गया और वही कैंडिडेट दोबारा लड़ रहा था, तो जनता के मन में कहीं ना कहीं आक्रोश था। मैं बहुत से और भी कारण, लेकिन समाजवादी पार्टी मुझे नहीं लगता इस बात से इत्तेफाक रखती है। दारा सिंह जी, समाजवादी पार्टी इस बात रखे ना रखे, लेकिन 47 से 111 जो समाजवादी पार्टी पहुंची है वो पूर्वांचल की वही सीटें हैं जहां पर 2017 में भाजपा ने सफाया किया था हमारे साथ मिलकर समाजवादी पार्टी का, और 2022 में सपा ने सफाया किया था भाजपा का हमारे साथ मिलकर 2022 में। तो समाजवादी पार्टी तो किसी भी चीज से इत्तेफाक नहीं रखती है। पहले 2017 में जब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, उसके चुनावों के बाद उसने कह दिया कि इन्होंने वोट ट्रांसफर नहीं करवाया। बहन जी के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो बहन जी को साथ छोड़ दिया, हमारे साथ लड़े हमारा साथ छोड़ दिया। चाचा जी की पार्टी को उन्होंने बाहरी कर दिया था लेकिन चाचा जी को दोबारा से अंदर लिया है। आप महान दल को देख लीजिए, महान दल को अलग कर दिया था फिर महान दल के साथ आ गए। तो अच्छा, तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि आप जिसके साथ होंगे उसका पलड़ा भारी होगा। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन इसी बीच ओपी राजभर जी का एक बड़ा दिलचस्प बयान भी आया है, पहले इसे सुन लेते हैं। कल फोन आया, कल 12 बजे हमारे देश के गृह मंत्री जी का कि आप दिल्ली आ जाओ। मैं कहा मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि यार आप बहुत जीती हो। हमने कहा जीती नहीं, हम खाली नहीं है। हमारा 3 तारीख को बलिया कार्यक्रम है, 4 को आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले लेने हैं, आप आ जाओ। मैंने भी कहा कि चलो, आपके पास अगर हेलीकॉप्टर तो हमारे पास भी 4 चक्का गाड़ी है, हम जवाब देंगे आपका। और मन बना करके मैं और भी राजभर निकले, बनारस गए, 5 बजे फिर हम लोग पहुंचे, दिल्ली गए। 1 बजे तक हमारी उनकी वार्ता होती रही, काफी गरम गरम रहा, कुछ खट्टा मीठा रहा, जिनको जहाज हुआ है हमारी उनकी लड़ाई। तो जैनेन्द्र प्रताप जी और चंद्रभूषण जी, आपने सुना एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार और दूसरी तरफ बयान जिस तरह का सामने आ रहा है। चंद्रभूषण जी, क्या कहना है इस पर आपका? गृह मंत्री जी को इंतजार करना पड़ा? नहीं, ये देखिए पब्लिक में वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इस पे हम लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो नेता है और अपनी बात को उनका कहने का क्या तरीका है, वो हर नेता का अपना अपना तरीका होता है, वो उनका तरीका है अपना बोलने का। ऐसा कुछ अभी तो पूरा क्या आपने जितना सुनाया उसमें हम लोग क्या सुन सकते। चलिए मैं संदीप जी के पास आती हूँ। संदीप जी, सबसे पहले तो जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार को कई तरीकों से देखा जा रहा है, सोशल इंजीनियरिंग, राजनीतिक गणित, वेलकम गिफ्ट, कैसे आप देखते हैं? और उसके बाद ये जो बयान है ये भी जरा खट्टा मीठा सा बयान निकलकर सामने आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रियंका जी, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है ये काफी समय से इंतजार में था, हर कोई इसका इंतजार कर रहा था। और आपने जो एक लाइन कही थी कि क्या इंतजार हो रहा था कि भाई पहले नजदीक आ जाए चुनाव और सबको कौन साथ आ रहा है कौन साथ छोड़ के जा रहा है तो उस चीज का पता चल जाए। तो अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि भाई कौन कौन लोग साथ आ रहे हैं, कौन सरकार के साथ रहने वाला है, किसको क्या चीज देनी है, क्या लेनी है। अब देखिए सीटों का भी पता चल चुका है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ने वाला है गठबंधन से, और किसको कितने मंत्री पद मिलने हैं, वो चीजें भी क्लियर हो गई है। तो मुझे लगता है ये राइट समय था और अब इससे ये पता चलेगा कि हम कितने यूनाइट होकर, कितने संगठित होकर चुनावी मैदान में जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन को किस तरीके से हम टक्कर दे सकते हैं और किस तरीके से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतकर मोदी जी की झोली में डाल सकते हैं। क्योंकि मोदी जी का जो टास्क है 400 पार का, वो बहुत बड़ा टास्क है।
उसको अचीव करने के लिए आपको इस तरीके की चीजें, इस तरीके के समीकरण, इस तरीके की राजनीतिक पैठ बनानी पड़ेगी, जिसमें ओपी राजभर को भी साथ लेना पड़ेगा, जयंत चौधरी को भी साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दो ऐसे गुट हैं जो चाहे सीटें कम लेकर भी साथ आए हो, लेकिन ये बहुत सारी सीटों पर जो इंडिया गठबंधन है उसको चित कर सकते हैं, इसमें बीजेपी की बड़ी मदद करें। संदीप जी, आज का ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, से यदि वेलकम गिफ्ट कह दिया जाए तो गलत तो नहीं होगा ना? देखिए प्रियंका जी, आप इसको वेलकम गिफ्ट कह सकती हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि राजनीतिक भाषा में वेलकम गिफ्ट कहा जाए, क्योंकि गठबंधन की सरकारें हैं, गठबंधन की सरकारें जब चलती हैं तो गठबंधन का ये धर्म होता है कि जो हमारे साथ में आने वाले दल है, साथ में आने वाली पार्टी है, उनकी भी हिस्सेदारी तय हो, उनको भी जिम्मेदारी मिले। तो मैं देखता हूं कि एक जिम्मेदारी देने वाली चीजें हैं, जब हम साथ में आए, साथ में मिलकर काम करेंगे, चाहे फिर वो सरकार हो, संगठन हो, या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कहीं भी जाएंगे तो साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और मोदी जी ने तो नारा भी दिया था सबका साथ सबका विकास, तो जो उनके साथ में रहेगा उसका विकास तय है। ठीक है, दारा सिंह जी, संदीप जी कह रहे हैं जो उनके साथ रहेगा उनका विकास तय है, वही आज होता हुआ नजर आ रहा है, शाम 5 बजे लिस्ट भी सामने आ जाएगी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, सबसे पहले तो एक कहावत होगी, आप भी सुना होगा प्रियंका जी, हम भी जानते हैं कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हमारे जो आदरणीय चाचा जी हैं उनके भी प्रवक्ता जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इनका तालमेल ही नहीं मिल पा रहा। उनके बयानों से लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इनका इंतजार करेंगे, इनको फोन करेंगे। जो आदमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहता है कि हम कटोरा लेकर तुमको वहां भेज देंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग मिलती है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर विश्वास करेगी? देखिए, एक कहावत है छोटे में, कहते हैं जब एक छोटी मछली के सहारे हम बड़ी मछली पकड़ते हैं कटिया डालकर, नरेंद्र मोदी जी ने इन सब छोटी छोटी चहली को पकड़कर सिर्फ उत्तर प्रदेश का पीडीए का जो वोट है अपनी तरफ खींचने के लिए किया था। घोसी के चुनाव में इन्होंने कितने कितने किए, कहा ये भाजपा से नहीं चुनाव, ये समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ है, ठीक, घोसी की जनता ने इनको दिखा दिया। ये घोसी के ये शर्ट जो पहने इसीलिए आज पहन के आए, क्योंकि जब जब मैं ये शर्ट पहना हूँ तब तब ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही जाती है। नहीं, आज तो आज तो मंगलवार का दिन है, मंगल होने की उम्मीद है। अब देखिए, आप जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो सच होती भी है नहीं, लेकिन जयनेन्द्र प्रताप जी एक बात साफ कह रहे थे कि 2022 में जो अंतर आपकी सीटों में आया है उसके पीछे कारण वही रहे हैं। अरे, हमने इसलिए कहावत पहले ही कह दी थी ना, सूप बोले चलने क्या बोले। जयनेन्द्र जी जवाब दीजिएगा इस बात, हमारे साथ गठबंधन करते। दारा सिंह जी तो भविष्यवाणी कर रहे हैं आज के लिए, जो व्यक्ति जो हमारे सहारे अपनी दारा सिंह जी सुन लीजिए, दारा सिंह जी आपने अपनी बात कह दी, जवाब भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपको समय दूंगी मैं। जी, अब नैतिकता की बात है, वो पूरे प्रदेश में देखा कैसे गायत्री प्रजा पति को हटाया गया, हटाने के बाद दोबारा से उनको मंत्री बनाया गया, तो ये नैतिकता का पालन करना पड़ा है। दारा सिंह जी, यह बात नहीं चल रहा है, दारा सिंह जी बाकियों को भी समय दीजिएगा। दारा सिंह जी, समय दूंगी मैं। चंद्रभूषण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जनता को और चैनल में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों में 2022 के चुनावों में आपकी कितनी सीटें आई थी और पहले 5 चरण में कितनी सीटें आई थी, का चुनाव पानी का पानी हो जाएगा, पूरा। ठीक है जयनेन्द्र जी, दारा सिंह जी आपके पास आते हुए चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जो ये इस समय दारा सिंह जी जो बोल रहे हैं,
इस पार्टी का ना कोई चाल है, ना चरित्र है, ना ही कोई इस तरह की कोई विचारधारा है। वो पार्टी क्या दूसरे को दिखाएगी आईना? सबसे पहले समाजवादी पार्टी अपने घर में ही देख ले कौन सूप है और कौन चलनी है। वो तो ऐसा चलनी है, मैं तो सूप भी नहीं बोलता समाजवादी पार्टी को। अच्छा, तो आपको चंद्रभूषण जो उम्मीद है कि पूर्वांचल में सीटें बढ़ेंगी इस बार आने वाले दिनों में? मैं आज बता रहा हूँ आपको प्रियंका जी, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास से हम अपने सहयोगियों को एक साथ लेकर चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन वही समाजवादी पार्टी जिसका निर्माण देखिए, जब मुलायम सिंह जी थे, मुलायम सिंह जी ने किस तरह से अपने पुत्र को, पुत्र मोह में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, उसके बाद आज जिस तरह की स्थिति समाजवादी पार्टी की हुई है वो सबको देखा हुआ है। और आने अच्छा, कितनी सीटों का गणित तय हुआ है पूर्वांचल की यदि आप बात करें, जो तमाम इंजीनियरिंग चल रही है उसमें? 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा, पूर्वांचल के 28 में से कितनी ले जाएंगे आप? 28 में से 28 सीटें पूर्वांचल की हम और हमारे सहयोगी मिलकर जीतेंगे, ये मैं आज बता रहा हूँ आपको। और ये समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में जो इनके जो चलनी वाले नेता है ना, स्लूप तो ये भी नहीं है और चलनी वाले नेता उनको मिलेंगे नहीं। इनको दारा सिंह जी आपका जवाब मिलेगा? दारा सिंह जी चंद्रभूषण जी 28 सीटों के दावा कर रहे हैं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी को लगता है वो कह रहे कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूं, तो उसने 42 गठबंधन किए। और जो ओम प्रकाश राजभर जी के प्रवक्ता है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जब चाहो जहूराबाद की सीट से आप इस्तीफा दीजिए और मेरे पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कोई नहीं जाएगा, सिर्फ 4 कार्यकर्ता जाएंगे और आप पूरी भारतीय जनता पार्टी को ले आना, 42 समर्थक और भी ले आना, और अगर जीत के चले जाना राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैं बताता हूँ, वही सूट है, खबर 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 बताइए मोदी जी जमा कर दिए, 73,000 शिक्षक बैठे हुए हैं, 73,000 शिक्षक बैठे हुए हैं, अपने समाज को ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ अपने बेटे को सोचा, अपने दोनों बेटे के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा और उनको भेज दिया, अपने समाज को शराब पीना और पूरा पीना सिखाया, उसके अलावा कुछ नहीं करना सिखाया। ओम प्रकाश मोदी के इन गाँव में क्यों नहीं जाते? चलिए ठीक है, ठीक है, ये मुद्दा नहीं है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर से संदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, लगातार तमाम विषयों पर तो हम बातचीत कर ही रहे थे, लेकिन सब ये जानते हैं कि मंत्रिमंडल का अब जो विस्तार हो रहा है, लोकसभा चुनाव उसका मुख्य टारगेट है, मेन टारगेट है, मंत्रिमंडल का विस्तार जरूर हो रहा है। क्या लगता है आपको, जिस नजरिए से और जिस गणित के साथ आज ये विस्तार हो रहा है, उसका फायदा आने वाले समय में क्या एनडीए को मिलेगा? देखिए प्रियंका जी, जिस तरीके से ये विस्तार हो रहा है और जिस तरीके से ये संगठन संगठित हुए हैं बीजेपी अलायंस के उत्तर प्रदेश में, इससे मैं मानता हूं कि बहुत कड़ा प्रहार समाजवादी पार्टी के ऊपर हुआ है। जो समाजवादी पार्टी ने एक पिच तैयार की थी जिसमें उन्होंने एक समय पर राजभर को भी साथ रखा था और जयंत चौधरी को भी साथ रखा था, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत पिच थी, उस पर शायद बीजेपी अलायंस के लिए बैटिंग करनी टफ हो जाती, क्योंकि सीटें मुझे लगता है आधी आधी भी हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई और राजभर को भी अपने साथ ले लिया और जयंत चौधरी को भी अपने साथ ले लिया, तो मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी को चारों खाने जीत कर दिया। और समाजवादी पार्टी ने जो कांग्रेस के साथ अलायंस बनाया है, आप इसमें आज लिख के रख लीजिए, मैं आपको बताऊं चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आएगा कि हमने कांग्रेस के साथ संगठन बनाकर या अपना अलायंस बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, उसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। आपका जवाब इस पर? बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को मंत्री नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, और अगर बनाएगी तो आपको बता दे, अगर दिल्ली वाले इनको मंत्री बनाएंगे तो यूपी वाले नाराज हो जाएंगे। अब तो दारा सिंह जी, अब तो राज्यपाल से मुलाकात भी हो गई। चंद्रभूषण जी, क्या कहना है आपका? दारा सिंह जी अभी भी कह रहे हैं कि कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा। अरे मुलाकात तो हम किसी से भी कर सकते, कहीं भी कर सकते हैं।
अपने परिवार की लड़ाई देखते हैं। अगर ये दिल्ली वाले इनको बनाएंगे तो यूपी वाले नाराज हो जाएंगे, नाराज की लड़ाई देखते हैं। ये और कांग्रेस यूपी वाले बनाएंगे तो दिल्ली वाले नाराज हो जाएंगे। और आपको बता दें वहाँ ऐसी लोगों की चुनी जाती है भारतीय जनता पार्टी में, बाकी सब कोई वहाँ कोई किसी काम का नहीं है, सब तकली है। कुछ लोग तो सिकंडी की तरह काम करते हैं, जैसे हमारे सिकंडी नहीं होते थे। और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के परिवारवाद की जड़ है, ये अपने घर में हमेशा झगड़ा करते हैं। तुम्हारे घर में क्या है, तुम्हारे घर में क्या है, आप बताइए तुम्हारे घर में क्या है, आप बताइए ओम प्रकाश राजभर के घर में क्या है, घर में क्या है, राजनाथ सिंह के घर में क्या है, 40 परिवार वाले नहीं है, 40 पदों पर बैठे हुए थे। अरे ये परिवार वाले नहीं है, क्या सौतेले है क्या, इस सौ सालों आप बताइए ओम प्रकाश राजभर के लड़के क्या है, ये समझ लीजिए। जैनेन्द्र प्रताप जी, ओपी राजभर जी लखनऊ में ही है ना, दारा सिंह जी को अभी भी शक है? बिल्कुल, अभी उनकी मुलाकात भी हुई है, ऐसा खबरों में आ रहा है, बहुत सारे चैनलों की खबरों में आ रहा है कि राजभवन पहुंच गए हैं और शायद राज्यपाल से मुलाकात भी हुई है। तो बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार होगा, आज ही होगा। दारा सिंह जी किसी दुनिया में रहते हैं या सपने में हैं या पता नहीं, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर यह उनकी बात है, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि हम सभी मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट जीतेंगे और पूरे देश के अंदर 405 बना के मोदी जी को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। और मोदी जी के जो कार्य हैं, योगी जी के जो कार्य हैं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, उन्हीं के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। विकास की योजनाओं की बात होगी, यहाँ पे गुंडागर्दी की कोई बात नहीं है, यहाँ पे चाहे खनन माफिया की बात नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह के जमीन माफिया की बात नहीं है, यहाँ किसी भी तरह के उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो माफिया थे इनके समय में पनप रहे थे उनकी कोई बात नहीं है, आज भी विकास जा रही है। चलिए ठीक है, दारा सिंह जी चारों विधायक जो है वो मुख्यमंत्री के घर पर भी पहुंच चुके हैं, राज्यपाल से मुलाकात भी हो जाएगी। अब देखना ही होगा कि आपकी भविष्यवाणी शाम 5 बजे तक सच होती है नहीं होती। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, चंद्रभूषण जी, जैनेन्द्र जी, दारा सिंह जी और संदीप चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय का इंतजार आज खत्म होने वाला है और उस पर ओपी राजभर के कई बयान आते रहे। अब देखना ही होगा कि शाम 5 बजे जब सस्पेंस से पर्दा हटता है तो 2-3 नामों के अलावा और ऐसे कौन से नाम होते हैं जो एक बार फिर से चौंकाने का काम करते हैं, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से यही रणनीति रही है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।